ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे। ऑटिज्म वाले बच्चों को जनरली देखा जाता है इस तरह के केसेस में, जो भी ये होते हैं इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बच्चों में रिपीटिटिव बिहेवियर आपको मिलेगा कि रिपीटिटिव चीज़ें करेंगे, ऑब्सेस्ड होंगे किसी किसी चीज़ से और बार 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 उसी एक्टिविटी को दोहराएंगे। वो ऑटिज्म में भी होता है, एडीएचडी में भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर मिलेगा बच्चों का। तो ये जो होता है रिपीटिटिव बिहेवियर, ये आखिर क्यों होता है पहले तो ये जानना चाहिए ना। कारण नहीं पता होगा तो उसका समाधान आप कर ही नहीं सकते। तो कारण जानने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे बचपन में हर किसी ने वो टॉय मोबाइल फ़ोन जो आता था खिलौना वाला, उस पर कुछ डॉल वॉल टाइप का फोटो लगा रहता था और पिंक कलर में अलग अलग कलर में आता था वो मोबाइल फ़ोन छोटा सा। ऐसे फ्लिप वाला भी आता था, ऐसे डायरेक्ट आता था। तो फ्लिप वाला थोड़ा महंगा लगता था और उस टाइम में 20-25 रुपए का, 15 रुपए का, ऐसे ऐसे अलग अलग रेंज में। कुछ लोग और पहले के होंगे तो और सस्ते में खरीदे होंगे, इसी रेंज में वो आता था। उसमें दो तीन गाना फीड रहता था। अभी उसको आप बटन दबाइए तो चल छैया छैया छैया, उसके बाद से दर्द डिस्को, ऐसे ही दो तीन गाने रहते थे उसमें। अब क्या है कि उस टाइम में उतना ही इनफ था हमारे लिए, सफिशियंट था, उतना बजता था तो हम अपने को अमीर समझते थे कि मतलब कि हमारे पास ये फ़ोन है। उस टाइम में मोबाइल भी बहुत लोगों के पास कॉमनली कह रहे हैं रेयरली होते थे, तो वो उसी से मिलता जुलता वो खिलौना होता था सेम। अब क्या है ना कि उसमें उतनी ही सारी चीज़ें थी तो रिपीटिटिव, दिन भर आप बजाइएगा तीन को से गाना एक्स्ट्रा बजेगा नहीं, वही तीन गाना जो आपको बजते रहेगा वो हमेशा वही बजेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी ही उतनी है, उसमें उतना ही फीड किया गया। सेम उसी तरह से समझिए इन बच्चों को कि जिन बच्चों में एक्सपोजर नहीं है, बाहर का एक्सपोजर नहीं मिला, वो सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम उनको है, सोशली इंटरेक्ट वो नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, एक लिमिटेड जगह में रह गए हैं, तो संसारिक उनको क्या है ना कि एक्सपोजर मिला ही नहीं ना बाहर का वर्ल्ड का। तो अब उसमें बाहर की दुनिया में वो गए नहीं तो ज़्यादा वर्ड्स उनको नहीं पता, अगल बगल की क्या चीज़ें हैं उसके बारे में उनको अगर नहीं पता होगा तो 20-25 चीज़ों के बारे में जानेंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार चर्चा करते रहेंगे। रिपीटिटिव बिहेवियर यही होगा। आप जैसे उसमें रिपीट मोड पे वही गाना चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, जो मोबाइल की बात कर रहे थे जो खिलौना वाला होता था, सेम वैसे ही रिपीट मोड पे इतने ही। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि उसका जो है उसका एक्सपोजर बढ़ाइए, उसको समाज में बच्चे लोगों के बीच में लेके जाइए, सोशल इंटरेक्शन उसका इम्प्रूव कीजिए और चीज़ें जो हैं सराउंडिंग की उनसे अवेयर कराइए। इसी क्रम में एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। हम लोग जनरली करते हैं कि बोलना, बच्चे को बुलवाना चाहते हैं, लेकिन नॉन वर्बल हम बार बार क्यों चर्चा करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि भले बोलेगा नहीं लेकिन सारी चीज़ें समझेगा, सराउंडिंग की सारी चीज़ें। तो मतलब क्या हो रहा है ना कि वो एक शब्द कोश उसके पास इकट्ठा हो रहा है। आपने बोला जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रिमोट रखा हुआ है, यहाँ पे ये बेल का स्विच रखा हुआ है, यहाँ पे ये लाइट रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बोलेंगे कि भाई लेके आओ, तो अगर वो समझ रहा है तो लेके आएगा। तो क्या हुआ कि आपने जो बात बोली इजीली वो लेके चला आया, तो मतलब ये है कि वो उस चीज़ से अवेयर हो गया। अब उस एक बार दो बार 10 बार 20 बार के बाद उसको समझ में आ जाए कि लाइट ये है, और जब उसके दिमाग में वो फीड हो जाएगा तो बाद में धीरे 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 वो जब वर्बल पे आएगा तो वो अपने आप बिना सिखाए आपको बोल देगा। सडन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने दिन बाद ऐसा बोला, मम्मी बोला पापा बोला, कुछ सामान का ही नाम लिया। जैसे हमारे यहाँ बताया था मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि वो दुबई में हैं, शिफ्ट हो गए हैं उन लोग, विशाखापट्टनम के हैं। तो बच्चा वो आया था, अब वो तेलुगु में बोलता था, तेलुगु में कम्युनिकेशन प्रॉपर करता है, इंग्लिश में क्या करता है कि वो इमिटेट करता है, उसमें इको ले लिया, तेलुगु में ऐसा नहीं करता। तो तेलुगु चूंकि उसकी मदर टंग है उसमें वो कंफर्टेबल है, आराम से सारी बातें बोल लेता। इंग्लिश में आप व्हाट इज़ योर नेम पूछेंगे तो उधर से रिपीट कर देगा, हेलो ईशान गुड मॉर्निंग बोलिएगा तो उधर से हेलो ईशान गुड मॉर्निंग करेगा। तो ये चीज़ है, अभी वो रिपीट करता है बातों को, वही बात जो मैंने बोली।
वो बात उसको वो रिपीट कर जाएगा। अब लेकिन सारी चीज़ें वो करता है, सारी चीज़ें जो भी बोलेंगे आप सारा करता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग उसका बिहेवियरल पैटर्न भी होता है, तो वो जानबूझ के ये है कुछ उसमें भी ADHD का ये है माइनर सा। वो यहाँ आया, अब सारी बातें उसे इंग्लिश में नहीं हो रही, यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ हिंदी बोला जा रहा है, सारे लोगों के साथ लगभग हिंदी में बात, इतने दिन में वो बच्चा हिंदी में काफ़ी कुछ सीख गया। अभी उसको कहीं हाइट पे चढ़ा दिया जा रहा है, उसको वेस्टिबुलर स्टिमिंग है, उसको हाइट से डर भी लगता है, तो वो बोल रहा है कि छोड़ो छोड़ो उतारो उतारो। तो ये बात कैसे आई उसको, वो चीज़ों से अवेयर है, और जब अवेयर है तो उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा इसके लिए ये वर्ड चूज करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, तो इन लोग समझेंगे कि इसको छोड़ना। तो फिर जब ये हिंदी में जो तेलुगु और इंग्लिश सिर्फ समझता था, वो यहाँ आया 17-18 दिन में वो हिंदी के काफ़ी वर्ड सीख गया। कैसे सीख गया कि वो सारी चीज़ों से अवेयर है, सराउंडिंग की सारी चीज़ों से अवेयर है, इसीलिए उसने बस बिना बोले ही हिंदी, मतलब वो सुना, किसी ने बोला नहीं, फोर्स नहीं किया उसको कि बोलो, और वो बोल दिया। बस यही करना है कि नॉन वर्बल पे रखें बच्चों को, चीज़ों से अवेयर कराएंगे, तो फिर वो चीज़ें सीख जाएगा बच्चा और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करेगा। तो हम बात कर रहे थे रिपीटेटिव बिहेवियर की। रिपीटेटिव बिहेवियर इसीलिए है क्योंकि लिमिटेड उसकी थिंकिंग है, लिमिटेड उसके पास शब्दकोश है, लिमिटेड एक्टिविटीज़ वो जानता है, लिमिटेड लोगों से वो मिलता है, तो जिनको जिस चीज़ को बार बार देखने की आदत, हर किसी का होता है ना कि अपना कंफर्ट जोन में एक एक कंफर्ट जोन बना लेना। जैसे कि जॉब वाले लोग जनरली ये करते हैं कि बस जो लोग जॉब सीकर होते हैं कि उनको जॉब चाहिए है, तो उसके बाद क्या हो गया, जॉब ले लिए, 9 to 5 का उनका जॉब है। अब जैसे पुलिस महकमे की बात करें, तो पुलिस में क्या होता है कि कोई थानेदार हवलदार उसका भी एक ड्यूटी आवर है, वहीं पे रहे रहे कोई हवलदार थानेदार जो कि अगर ये हो कि मतलब प्रोग्रेसिव माइंडसेट का हो, तो पढ़ते 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 उसी थाने में कभी थानाध्यक्ष बन के आ जाता है, थानेदार बन के आता है, वो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन जाता है, उसी थाने में जो कई साल से उसी पोस्ट पे रिटायर भी हो जाता है। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग की बात है ना, अपने अपने सोचने की बात है। उसी तरह का है कि माइंडसेट जितना डेवलप करेंगे, जितना बच्चे को एक्सपोजर देंगे, उसी हिसाब से वो चीज़ों को समझेगा, अवेयर होगा, और उतना ही उसका माइंडसेट ब्रॉड होगा। तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर सिर्फ इसलिए आ रहा है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड माइंडसेट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं, काफ़ी लिमिटेड चीज़ों में वो है। ये हो गया लिमिट, ये आपके रिपीटेटिव बिहेवियर का कॉज। अब इसमें क्या होता है कि बार 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 एक ही तरह की जिद करने की वजह से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली जब भी हम मेंशन करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज भी लिखते हैं ब्रैकेट में। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा, कुछ लोगों ने उस पूछा भी कि न्यूक्लियर फैमिली के बगल में आपने ऐसा लिखा, तो सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज क्या है ना, सोशल एब्यूज तो ये होगा कि हम तो उसको सोशल होने ही नहीं दिए, सोशल इंटरेक्शन उसका नहीं होगा। साइकोलॉजिकल एब्यूज ये कि जब वो बार 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 यही चीज़ें कर रहा है, रिपीटेटिव चीज़ें कर रहा है, रिपीटेटिव चीज़ें कर रहा है, पहले साल 1.5 साल तक नॉर्मल माइलस्टोन्स थे, कुछ कुछ बैबलिंग वगैरह करना, कुछ कुछ बोलना भी शुरू कर दिया था, उसी के बाद से हमने स्क्रीन का एक्सपोजर बढ़ाया, बाहर से की दुनिया से थोड़ा कम कनेक्शन रखा उसका, तो बच्चे में रेग्रेशन आई। अब हमको लगता है कि वो बदमाशी कर रहा है, अभी बदमाशी कर रहा है, तो इसीलिए हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चों को मारना शुरू करते हैं, थप्पड़ मारना, डांटना, चिल्लाते रहना बिना वजह। तो ये जो मारने की टेंडेंसी आपकी जो डेवलप कर जाती है, ये साइकोलॉजिकल एब्यूज आप बच्चे का कर रहे हैं, उस मार का उस पर बुरा असर होता है, और उसके बाद से या तो कोई बच्चा काफ़ी डर किसी में डेवलप कर जाएगा, नहीं तो एक अलग बिहेवियरल पैटर्न डेवलप होगा, वो बाद में ऐसे कॉमन भाषा में थेथर कहते हैं, थेथर हो जाएगा। ODD भी डेवलप करता है इन्हीं सब माहौल की वजह से, या तो एक्स्ट्रा पैम्परिंग आपने किया है, ओवर केयर किया है। हम हर बार बोलते हैं ना, ये एक कॉमन सी लोकोक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब कि अति हर जगह वर्जित है, उस उतना नहीं करना चाहिए, अति हो जाएगा, अति के बाद अंत होता है। तो जो ओवर केयरिंग जो लोग भी पेरेंट्स करते हैं, वो ध्यान रखें कि बच्चे को एक लिमिट तक ही केयर करना है, और उसको बाकी दुनिया में के लिए छोड़ना है, ताकि वो अपने आप कुछ चीज़ें करे,
ये नहीं कि जो मांगा उसे 10 गुना एक्स्ट्रा ले आके दे देते हैं, तो वो बच्चे क्या होता है ना कि ऑड सिचुएशन में बच्चे नहीं आप पालेंगे तो क्या होगा ना कि बच्चे बाद में ऑड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, समय से पहले ही उनको सारी चीज़ें मिलते जाती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी टेंडेंसी वो डेवलप कर जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बाद में। और तब आपको जब समझ में आएगा कि बिहेवियरल डिजॉर्डर डेवलप कर गया, तब आप उससे अचानक से स्ट्रिक्ट होने चलेंगे, अचानक से स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा, आप ही पे हावी हो जाएगा। अभी 4-5 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं, कनाडा से ही 2 बच्चे हैं जिनमें ODD के पूरे सिम्टम्स हैं, यहाँ से भी हैं 3-4 लोग ऐसे जिनमें के बच्चे में ODD है। अभी पेरेंट्स में अगर मदर तो केयरिंग करती हैं, अगर फादर डांटे कभी या फिर ऐसे ही हल्का सा थप्पड़ मार दिए, उधर से वो पैर चला रहा है, हाथ चला रहा है बच्चा। तो ये ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर एक मैंने वीडियो बनाया है, वो आप लोग देखेंगे, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप लोग देख सकते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं। ये बच्चे ODD वाले कम्प्लीटली नॉर्मल भी कहे जा सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से किसी को परेशानी अगर हो रही है मतलब इनमें प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि जब रिपीटेटिव बिहेवियर हो, इस तरह का बिहेवियर हो, बच्चे एग्रेसिव हो रहे हो, ये हो रहे हो, तो उनको मारना नहीं होता है, अब उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बिहेवियरल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से जुड़ के आप ये कर सकते हैं, आप हमारे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं, हम आपको आपके बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद होम प्लान देते हैं, और वो प्रैक्टिकल सेशंस में आप जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, करी जाती हैं। तो इन बच्चों को वायलेंटली स्ट्रिक्टली डील नहीं करना होता है। मैंने समझाया ना कि जैसे इस बच्चे को अगर आप एक थप्पड़ मारते हैं तो इसको ये लगेगा कि पहले इतना केयर होता था, अभी हमको मारा जा रहा है, मतलब ये सही नहीं हो रहा है। अब वो क्या कहते हैं कि रेवेंज सीकर बिहेवियर होगा उसका, रेवेंज सीकिंग का बिहेवियर, कि मतलब बदला जब तक नहीं लेगा, आपने एक हाथ मारा वो कभी ना कभी आपको मार ही लेगा, तब जाके उसका ख़त्म होगा बदला। जनरली अपने एज ग्रुप में वो बच्चे करते हैं, किसी बच्चे ने उसको पेंसिल भोंका, पेन भोंका, तो वो भी ये करेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, अभी मैंने बोला कि शहरी बच्चे इस तरह के करते हैं, गाँव में अगर है कि बच्चे को इस तरह के बच्चे अगर ODD का सिम्टम डेवलप कर रहा है बच्चे में, तो उसको ऐसे ही मारपीट के ही ठीक करता है, बदमाशी किया 2-4 थप्पड़ मार दिया, रो रहा है छोड़ दिया जाओ। अभी वो जाकर अपने बैच में जो भी उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको कहेगा कि हमको मारा गया, तो पूछेगा कैसे से मारा गया, और दोस्त लोग पूछेगा थप्पड़ से मारा गया, अच्छा कोई कहेगा तुमको तो थप्पड़ से ही मारा गया, हमको डंडे से मारा गया, छड़ी से मारा गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ना कि उस माहौल में वो लगेगा अच्छा चलो इसको तो डंडा पड़ा, हमको तो थप्पड़ ही पड़ा, चलो ठीक है काफ़ी ये में। आप अपने बच्चे को मारेंगे तो कभी भी उसको मारा नहीं गया है, निगेटिविटी डेवलप करेगी आपके प्रति, उसमें निगेटिविटी डेवलप करेगी, नकारात्मक उसके में विचार आएंगे, और वो या तो वायलेंट हो जाएगा, डेफिएंट हो जाएगा, हॉस्टाइल नेचर डेवलप कर जाएगा, या फिर वो डर जाएगा। तो सॉल्यूशन मारना नहीं है, बच्चे को कभी भी नहीं मारना, स्पेशल किड्स में कभी भी, छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, उनको नहीं मारना है। हाँ, कैसे डील करना है वो सारी चीज़ें हम समझाएंगे, हम आपको बताएंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना ये कर कमेंट भेज सकते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट हम करके एक प्रॉपर प्लान आपको देंगे, और हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आप रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपका अवेयर होना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है, प्रॉपर डायग्नोसिस बच्चे का ज़रूरी है, तभी प्रॉपर प्लान किया जाएगा। और प्रॉपर प्लान भी मिल जाने से क्या फ़ायदा, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर है बच्चे में, या फिर किसी भी तरह के स्पेशल उसमें फीचर्स आ रहे हैं, साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अब इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।